जब भी कॉमिक कॉन पास आता है हम मार्वल फैंस का एक्साइटमेंट चरण पर चला जाता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट की एंटीसिपेशन में। पर एक स्कूपर ने दावा किया है कि उसे मालूम है कि मार्वल क्या अनाउंस करने वाली है और उसने एक लिस्ट भी डाल दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए करते हैं प्रेडिक्ट इन दावों में कितनी सच्चाई है और कौन सा प्रोजेक्ट आ सकता है, कौन सा ये बंदा फेंक रहा है। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल ने ऑलरेडी उनके आने वाले प्रोजेक्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और अगाथा ऑल अलोन के टीजर्स डाल दिए हैं। डेडपूल वुल्वरीन तो कॉमिक कॉन के पहले रिलीज हो जाएगी। तो मार्वल एक घंटे के कॉमिक कॉन में क्या दिखाने वाली है। एक स्कूपर ने अपनी रिपोर्ट में टोटल 16 प्रोजेक्ट के बारे में कहा है जो मार्वल अनाउंस करेगी उनके एक घंटे के हॉल एच के सेमिनार में, जिनमें से पहला प्रेडिक्शन है ये थॉर 5 का अनाउंसमेंट। और लोगो, मार्वल को अब जरूरत है ओजी एवेंजर्स की, जिनमें से एक रोमांटिक डांस कर रहा है, दूसरा शहीद हो चुका है, अब सिर्फ दो ही बचे हैं जिनमें से एक गुस्से से शरीफ बन गया है, दूसरा है थॉर जिसकी पिछली फिल्म ने काफी पैसे कमाए थे। तो थॉर 5 तो आना ही था, जहां हरकुलिस जिसे निभा रहे हैं ब्रेट गोल्डस्टीन भरेगा थॉर से। एक नए डायरेक्टर की भी तलाश होगी यहां पर, क्योंकि ताइका वाइटिटी को वापस नहीं लाया जा रहा है। ऑब्वियसली थॉर 5 का अनाउंसमेंट तो होगा ही, यहां पे इसमें कोई शक नहीं है। ब्लेड का डिले होना, ये तो होना ही था, ना इस फिल्म का डायरेक्टर है ना स्टोरी, तो ब्लेड डिले होनी ही थी 2026 तक। मुझे लगता है कि ब्लेड के डायरेक्टर का भी अनाउंसमेंट होगा, जो हो सकता है जॉर्डन पील। और उनका ये डेट रिवील जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया में डाला, इस डेट पे आने वाली ही उनकी अगली फिल्म ब्लेड के लिए ही था। और अब डिले मत करना, माशाल्लाह की उम्र चली जा रही है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का डायरेक्टर अनाउंसमेंट। एमसीयू के मल्टीवर्स सागा की आखिरी फिल्म जिसको लेकर कई सारे डायरेक्टर्स का नाम चल रहा है, जैसे डेडपूल और वुल्वरीन डायरेक्टर शॉन लेवी, ब्लैक पैंथर डायरेक्टर रायन कुगलर, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डायरेक्टर सैम रेमी। पर हॉलीवुड रिपोर्टर में आया रिपोर्ट के अनुसार सबसे भारी भरकम कंफर्मेशन आया है कि जिन लोगों ने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंडगेम डायरेक्ट की थी एंथनी और जो रूसो, वो वापस आ सकते हैं डायरेक्टर्स ऑफ नॉट जस्ट एवेंजर्स 5 पर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी, जिनको रूसो काफी दिनों से अडॉप्ट करना चाहते थे। जहां तक एवेंजर्स 5 की बात हुई, मुझे लगता है एवेंजर्स 5 का टाइटल भी अनाउंस होगा। एज क्लियरिटी नहीं है कि जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट के बाद कौन बन रहा है नया विलन और किस ओर जा रही है एमसीयू वाले एज फार एज एवेंजर्स 5 इज कंसर्न्ड। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कौन बन रहा है नया कैंग ये बताया नहीं जाएगा, पर मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा ताकि एवेंजर्स 5 को लेके कोई और कंफ्यूजन ना रहे। थंडरबॉल्स ट्रेलर, फुल कास्ट ऑफ फैंटास्टिक 4, ये दोनों तो पक्का होने ही वाला है। थंडरबॉल्स की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो एक ट्रेलर तो देख सकता है कॉमिक कॉन में थंडरबॉल्स का, पर ये पब्लिकली यूट्यूब में दिखाई जाएगी कि नहीं ये पता नहीं है। एज थंडरबॉल्स की रिलीज अभी भी काफी दूर है। जहां तक फैंटास्टिक 4 की बात हुई, शूटिंग कॉमिक कॉन के एक हफ्ते बाद ही शुरू हो जाएगी और अभी तक हमने फैंटास्टिक 4 को एक साथ स्टेज पर नहीं देखा, तो केविन फाइगी कॉमिक कॉन जैसा मौका कहां छोड़ने वाले हैं। आमा वॉज लोगो रिवील्ड एंड अनाउंसमेंट। ये रिपोर्ट बता रही है कि डॉन जीडल का सपना पूरा होने वाला है और आमा वॉज फाइनली अनाउंस होने वाली है, जिसकी कहानी होगी टोनी स्टार्क के मौत के बाद उसके वेपन्स का मिसयूज, जिसे बेचा जा रहा है ब्लैक मार्केट में, और शायद इसके पीछे होगी शैरन कार्टर जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में रिवील किया गया बन गई है क्राइम बॉस। मुझे नहीं लगता कि आमा वॉज अनाउंस होगी यहाँ पर, ना तो इसको लेकर कोई न्यूज है ना राइटर ना डायरेक्टर, तो अनाउंसमेंट पक्का नहीं है मेरे हिसाब से। डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइटल एंड लोगो रिवील, ये तो पक्का होने ही वाला है। अगर हम सब जानना चाहते हैं कि क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को कहाँ ले गई, डार्क डायमेंशन में सेट होगी ये कहानी, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम रन्स आउट कॉमिक से इंस्पिरेशन लिया जाएगा जो सेटअप करेगी सीक्रेट वॉर्स को। सैम रेमी वापस आ रहे हैं डायरेक्टर, मेरे ख्याल से ये भी अनाउंस होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने काफी पैसे कमाए थे, तो पार्ट 3 तो बनना ही था। मिडनाइट सन अनाउंसमेंट विद लोगो, ये कहा जाता है मार्वल के हॉरर यूनिवर्स के टीम अप को, और इस पर बातें काफी दिन से चल रही। आप पूछेंगे मिडनाइट सन्स को लेकर किरदार है कहाँ पर, मैं कहूँगा ऑलरेडी काफी किरदार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ब्लेड, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आई मीन कभी तो होगा ही। डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट से वेयरवुल्फ, मैन थिंग और एल्सा ब्लडस्टोन, और पनिशर जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वापस आ रहा है एमसीयू में। मिडनाइट सन्स पर इन डिटेल बात किसी और वीडियो में करेंगे अगर अनाउंसमेंट हुआ तो, जो मुझे लगता है होगा। ब्लैक पैंथर 3 का अनाउंसमेंट विद लोगो, ये भी होना ही था, हालांकि मुझे लगा था ये कुछ दिन बाद होगा जब डूम एमसीयू की दुनिया में आ जाएगा, जो इस पार्ट का विलन हो सकता था, जो कॉमिक्स में भी काफी बार हो चुका है। हो सकता है इस फिल्म में टीचाला का बेटा टीचाला वापस आए, जो अपने पिता की जगह ले ले एज ब्लैक पैंथर। इस रिपोर्ट में ये भी शामिल है कि रायन कुगलर वापस आ रहे हैं एज डायरेक्टर ऑफ ब्लैक पैंथर, तो ये अनाउंसमेंट भी होगा मेरे हिसाब से इस कॉमिक कॉन में। यंग एवेंजर्स लोगो एंड अनाउंसमेंट, ये हो सकता है कंसीडरिंग काफी दिनों से मार्वल सेटअप कर रही है यंग एवेंजर्स को, ऑलमोस्ट हर फिल्म में या सीरीज में कोई यंग बच्चा दिख रहा है, और कमाला तो केट के पास चली गई टीम बनाने के लिए, जहाँ उसने एंटमैन की बेटी का जिक्र भी किया। Did you know Ant-Man had a daughter? मैं तो काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि यंग एवेंजर्स का प्रोजेक्ट बन रहा है, जो अनाउंस हो सकता है इस कॉमिक कॉन में पक्का मेरे हिसाब से भी। शांग-ची 2 अनाउंसमेंट विद लोगो, मार्वल के फेज 4 की सबसे बेस्ट फिल्म का सीक्वल अभी तक क्यों नहीं अनाउंस हुआ, ये सोचकर मैं खुद ही सरप्राइज था।
फाइनली इस रिपोर्ट की मानी जाए तो ये सीक्वल अनाउंस होने वाली है। शायद शांग-ची 2 में अपना हीरो उसकी बहन ज़ू ज़ियालिंग के खिलाफ लड़ेगा। शांग-ची 2 के एंडिंग में दिखाया गया था कि ज़ू अब 10 रिंग्स को रिवाइव कर रही है अपने पिता की मौत के बाद। उसी के साथ 10 रिंग्स की हिस्ट्री को भी टटोला जाएगा जो सेटअप करेगा सीक्रेट वॉर्स को। डस्टिन डेनियल क्रेटन वापस आएंगे एज डायरेक्टर, मेरे हिसाब से ये तो पक्का ही है। इस रिपोर्ट के अनुसार रायन रेनल्ड्स और ह्यू जैकमैन फिर स्टेज पर आएंगे और कंफर्म करेंगे कि वो दोनों एवेंजर्स 5 में दिखेंगे। इस बात की पुष्टि ऑलरेडी डेडपूल वुल्वरीन के ट्रेलर में कर दिया गया था, जब वेड ने वुल्वरीन को देखकर कहा ये डिज्नी ब्रॉट हिम बैक, दे आर गोना मेक हिम डू दिस टिल ही इज 90, और ये होने वाला है पक्का। एक्समैन मूवी अनाउंसमेंट विद फुल लाइनअप, मुझे लगता है अनाउंसमेंट तो होगा पक्का, और ये भी बताया जाएगा कि राइटर कौन होने वाला है एमसीयू के पहले एक्समैन मूवी का, पर फुल लाइनअप नहीं अनाउंस होने वाला। थोड़ा अर्ली है, इस फिल्म अभी लिखी जा रही है तो सिर्फ अनाउंसमेंट हो सकता है, एक्समैन मूवी का लाइनअप नहीं बोली जाएगी। स्कारलेट विच फिल्म अनाउंसमेंट फॉर 2028। अब ये थोड़ा अटपटा लगा मुझे सुनकर, एक तो वांडा ऑलरेडी मर चुकी है एमसीयू में, ऊपर से अटकल है कि शायद एगाथा की सीरीज में वांडा वापस आएगी, पर कॉमिक कॉन तो अभी है, एगाथा सीरीज सितंबर में आ रही है। इस अनाउंसमेंट से मार्वल एगाथा सीरीज का मजा क्यों खराब करेगी, तो मुझे लग रहा है कि इसे ऊपर फेंक रहा है एज फार एज स्कारलेट विच प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, जो मेरे हिसाब से अनाउंस नहीं किया जाएगा। फाइनली मार्वल बनाने वाले एक एनिमेशन मूवी, ये तो पक्का अनाउंस होगा ही, एज मार्वल वालों ने ऑलरेडी अपने एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को एक अलग बैनर के साथ इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो जैसे सोनी स्पाइडरमैन एंड द स्पाइडरवर्स बना रही है लाइव एक्शन कचरे के साथ, वैसा ही मार्वल अपने कई सारे किरदारों में से एक को लेकर बनाएगी एक एनिमेशन मूवी जो थिएटर्स में लगेगी। मुझे लगता है कि सचमुच ये होने वाला है, जो होना भी चाहिए था, और ये होगा कॉमिक कॉन का मार्वल का सरप्राइज। आप लोग पूछेंगे स्पाइडरमैन 4 का क्या होगा, उसका अनाउंसमेंट कब होगा? मैं कहूंगा मार्वल ने कभी भी स्पाइडरमैन की फिल्मों को लेकर अनाउंसमेंट कॉमिक कॉन में नहीं किए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सोनी के साथ करते हैं वो, तो अनाउंसमेंट अलग तरीके से होगा कॉमिक कॉन में नहीं, पर स्पाइडरमैन 4 तो पक्का बन रहा है। जिस पर फाइगी ने एक रीसेंट स्टेटमेंट भी दिया है कि स्पाइडरमैन 4 की कहानी पर काम चल रहा है। मार्वल की टेलीविजन सीरीज का अनाउंसमेंट D23 में होगा, इसलिए यहाँ किसी भी सीरीज का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। देखते हैं इनमें से कौन सा अनाउंसमेंट सचमुच होगा। चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में चेक और जरूर कीजिएगा, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्टिन रिव्यू। जस्टिन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।